सेक्स टैबलेट का फायदा कब हो सकता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे विज्ञापन अखबारों में आते हैं, शादी के पहले शादी के बाद यदि आपने गलती की होंगी तो जरूर हमको विजिट कीजिए, हम आपको ये दवा देंगे वो दवा देंगे। आयुर्वेदा में बहुत सारी दवाई उपलब्ध है, होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाई उपलब्ध है, कोई तेल मलम लोग देते हैं। आप देखेंगे बस स्टैंड के आजू बाजू में कोई झोपड़ी लगी रहती है, वहाँ लोग तेल बेचते हैं और वो तेल सेक्स पावर लाने का होता है, या मालिश करके वो आपकी सेक्स पावर आ सकती है। तेल बॉडी को लगाते हैं या लिंग को लगाते हैं और मालिश करते हैं। एलोपैथी में कई ऐसी मेडिसिन है कि जो विटामिन है, जो बोलते हैं कि नहीं सेक्स पावर बढ़ जाएंगी, या कोई ऐसी अलग अलग मेडिसिन है जो ब्रेन के ऊपर काम करती है, ब्रेन की टॉनिक जैसी, तो वो सेक्स के लिए काम में आती है ऐसा बोला जाता है। पर अक्सर ये काम करती है समझो तो वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करती है, क्योंकि ठीक है मैंने बहुत यानी बैल का चित्र वाली या घोड़े का चित्र वाली कोई दवाई लिया और वो दवाई 80 रुपये की है, 100 रुपये की एक टैबलेट है, 200 रुपये की एक टैबलेट है, अब मैं लूँगा तो मैं अच्छा हो जाऊँगा, मतलब वहाँ से लोग ऑपरेट करते हैं, वहाँ से उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो करते हैं, वो दवा लेते हैं, वो उनको फ़ायदा भी होता है, पर सबको फ़ायदा नहीं होता। एलोपैथी में अभी पिछले कुछ सालों में एक तो सिल्डानाफिल टैबलेट आ गई, टाडालाफिल आ गई, वरदानाफिल आ गई। अब ये जो टैबलेट्स है तो ये टैबलेट गोली ले लिया और बाद में कहीं काम को निकल गए, या बाद में ऐसा आपने सोचेंगे नहीं वो ऑटोमेटिक लिंग में कड़कपना आ जाएगा, इरेक्शन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। ये कोई भी टैबलेट लेने के बाद, और टैबलेट के अलावा हम इंजेक्शन देते पेपेवरिन का इंजेक्शन, तो टैबलेट लो या पेपेवरिन का इंजेक्शन लो, वो इंजेक्शन जो वो पेनिस में देते हैं, शेफ्ट में, तो वो टैबलेट लेने के बाद में जरूरी है कि आपको काम क्रीड़ा करनी पड़ेगी, फोर प्ले करनी पड़ेगी, दोनों पार्टनर जो है दोनों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, दोनों ने मिलकर खेल खेलना चाहिए, वो काम क्रीड़ा है तो काम क्रीड़ा में भाग लेना चाहिए। काम शास्त्र है, मतलब ये सेक्स का शास्त्र है, ये शास्त्र ऐसा है कि दोनों जब भाग लेते हैं, दोनों हिस्सा लेते हैं, दोनों एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो जरूरी है, तो वो करना, और वो करने के बाद में ही पेनिस में इरेक्शन आएगा या लिंग में इरेक्शन आ जाएगा। तो ऐसा है कि 2-3 घंटे टैबलेट को लगते हैं काम करने के लिए, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि ये टैबलेट ले लो, कोई भी एक टैबलेट ले लो, 2-3 घंटे पहले ले लो सेक्स करने के पहले, और बाद में जब आप पत्नी के साथ में जाते हो तो वहाँ खेलो, पहले काम क्रीड़ा करो, फोर प्ले करो, एक दूसरे को स्टिम्युलेट करो, तभी वो टैबलेट काम में आएगी। इंजेक्शन भी लेते तभी एक दूसरे को स्टिम्युलेशन करना बहुत जरूरी है, तभी वो टैबलेट काम में आती। तो ये देखना आपको जरूरी है कि ये काम क्रीड़ा करना बहुत जरूरी है सेक्स टैबलेट लेने के पहले। सेक्स टैबलेट लेने के बाद में आप सो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप इरेक्शन आ जाएगा, तो ये आपको निकालना पड़ेगा दिमाग में से कि सेक्स टैबलेट ले लिया आपको कुछ जरूरत नहीं है। तो वाइफ यदि कोऑपरेटिव नहीं रही, वाइफ यदि मतलब बिल्कुल ही तैयार नहीं है, वाइफ यदि गुस्सा करती है, कोई झगड़ा हुआ है और आप सेक्स टैबलेट लेते तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, जो सेक्स टैबलेट है का इनके वजह से एक तो एसिडिटी हो सकती है, पेट में दर्द होता है, बदन में दर्द होता है, हेडेक बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों को, कुछ नहीं होता, कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, तो उनके लिए फिर हम पैरासीटामॉल टैबलेट देते हैं, ओमेप्राजोल साथ में देते हैं, और वो दवाई और विटामिन की टैबलेट देते हैं, ताकि मतलब सभी टैबलेट भी देते हैं उनको, तो उनको जो रिएक्शन आ सकते हैं वो रिएक्शन आएंगे नहीं। ये टैबलेट देखने के पहले देखना चाहिए कि भाई हाइपरटेंशन है क्या, तो हाइपरटेंशन है या हार्ट प्रॉब्लम है तो यूजली सिल्डानाफिल अवॉइड करते हैं कि उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है हार्ट के ऊपर, ब्लड प्रेशर के ऊपर, या आँखों का प्रॉब्लम, रेटिनल मतलब रेटिना में कुछ प्रॉब्लम है क्या, रेटिना का डिसीज है क्या, तो सिल्डानाफिल लेनी चाहिए। लोग ओवर द काउंटर परचेस करते हैं, केमिस्ट के पास में जाते हैं टैबलेट लेते हैं, वो लेना ठीक नहीं है। स्पेशली ये गोली जो है ना डायबिटीज मलाइटस, मतलब मधुमेह जिनको हुआ है वो मधुमेह ही जो है उनके लिए बहुत फायदे की है सिल्डानाफिल टैबलेट या टाडालाफिल या वरदानाफिल, क्योंकि मधुमेह जिनको हुआ है, डायबिटीज हुआ है, उनकी जो खून जिसमें जाते हैं मतलब ब्लड वेसल्स जो है, तो रक्तवाहिनी जिसको बोलते हैं, तो वो छुटी हुई रहती है, तो उसमें स्पेशली फिर ये टैबलेट्स काम में आती है। ये टैबलेट लेने के बाद में 2-3 घंटे बाद में आप सेक्स करते तो फायदा हो जाएगा। वैसे मैं हरदम बोलता हूँ कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनर ऐसी है कि जो इंटरेस्ट लेती है, रुचि लेती है, और वो खुद रुचि वाली है, खुद रुचि है उसमें और खुद रुचि भी लेती है, तो वो सबसे बेस्ट सेक्स टॉनिक है। तो आपस के झगड़े मिटाओ, आप आपस में बेबनाव आया हुआ, टंटा बखेड़ा हुआ, तो वो ठीक करो,
इंटरेस्ट एंड इंटरेस्टिंग रहो, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर तभी भी टैबलेट लेना ही है, तो मैंने जब अभी तक बताया उसको फॉलो करते तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सेक्स के बारे में लोग बातचीत नहीं करते, डायरेक्ट हमारे पास में आते हैं, किसे शेयर नहीं करते रहते हैं, और लोगों को मालूम नहीं, फिर लोग कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो आप यदि शेयर करते हैं ब्लाइंडली सभी ग्रुप में, तो उनको फायदा इस बात का होगा कि वो डॉक्टर के पास में जाएंगे, कम से कम साइकेट्रिस्ट के पास में जाएंगे, और वहाँ जाके वो खुद का इलाज कर सकेंगे। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगा आपको तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।